बार जो एनकाउंटर हुआ हार्दिक अमित के बेटे का, उसको लेकर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि फेक एनकाउंटर है, इसे जो है शिवसेना कैसे देखती है? बात ऐसी है, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मुंबई में हुए, आपको पता होगा मुंबई के एनकाउंटर कुछ साल पहले जो चल रहा था, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक उपाधि हमारे यहाँ देते थे, लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी जेल में, ये समझना चाहिए। इस देश में कानून है, इस देश में न्यायपालिका है, इस देश में लोग सब कुछ देखते हैं। आतंकवादी हो तो उनका एनकाउंटर होना चाहिए, अगर बहुत बड़ा माफिया है जिसको समाज को खतरा है तो इस प्रकार से एनकाउंटर होते रहते हैं। अगर लोगों ने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो मुझे लगता है मुंबई में कुछ लोग ऐसे एनकाउंटर के खिलाफ कुछ सबूत लेकर न्यायालय में गए थे और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया है, उसमें इंक्वायरी कमीशन बिठाया था। बाद में लगभग सभी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जेल में गए या आज भी उसमें से बहुत से लोग जेल में है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जिस व्यक्ति का एनकाउंटर हुआ ऐसा कहा जा रहा है, मैंने देखा है उत्तर प्रदेश में विकास दुबे का भी एनकाउंटर हुआ था, तब भी कुछ मुद्दे सामने आए थे। उससे पहले उत्तर प्रदेश में और भी जाति और धर्म के लोगों के एनकाउंटर हुए हैं। योगी जी ने पहले से यह बात कही है कि उत्तर प्रदेश का माफिया राज में खत्म करूंगा। अगर राज्य के मुख्यमंत्री ने माफिया राज खत्म करने की बात की है तो उसमें जात और धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, मैं इतना ही कह सकता हूँ।